जन की बात हमारे साथ। रंगों का त्योहार है और होली की अपनी अलग मस्ती रहती है। भाईचारा और सौहार्द और आपसी मोहब्बत अगर सीखना हो तो होली से सीखते हैं हम लोग। होली अपने अंदर की कुरूतियों को जलाने का त्योहार है। होली अपने अंदर के क्रोध को जलाने का त्योहार है और इसीलिए हमारे होली में प्रचलन है, परंपरा है कि हम होलिका दहन भी करते हैं। होलिका दहन दरअसल किसी का दहन नहीं है, होलिका दहन है अपने कुविचारों का दहन, अपने क्रोध का दहन, अपने वैमनस्य और ईर्ष्या का दहन। होली है मोहब्बत और प्यार बांटने का त्यौहार, थोड़ी एक दूसरे को तंग करने का त्यौहार है, तो जो कि जमुआ में भी दिखा। बच्चों और जवानों ने होलिका दहन के लिए होलिका की अर्थी सजाई और चले घर घर होलिका दहन के लिए उपले मांगने, लकड़ियां मांगने और चंदा मांगने। घर के दरवाजे में ही अर्थी को रख दिया गया और जब तक चंदा नहीं आया, जब तक लकड़ियां नहीं मिली, जब तक उपले नहीं मिले, वहीं गाते बजाते रहे। लेकिन साथ साथ मनुहार भी करते रहे कि भाई दे दो। एक तो ये है, दूसरी तरफ जमुआ प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। जमुआ अंचलाधिकारी द्वारका बैठा जी के नेतृत्व में जमुआ पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, जमुआ के थानेदार प्रदीप कुमार दास और दर्जनों पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से फ्लैग मार्च किया। जमुआ चौक, खरगडिहा, मिर्जागंज, तमाम चौक चौराहों पे, मुख्य बाजारों में पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग फ्लैग मार्च किए और एक संदेश दिए कि भाईचारे का त्यौहार है, इसे भाईचारे के साथ मनाना है। इस क्रम में जमुआ पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी को आपसी तालमेल से, आपसी सद्भावना के साथ त्यौहार को मनाना है, लेकिन यदि कोई बेड एलिमेंट माहौल को बिगाड़ना चाहेगा तो प्रशासन उससे कड़ी सख्ती से भी निपटेगा। शराब पर भी जो भी अवैध शराब बेच रहे हैं उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।